भैंसों के झुंड से टकराई नई वंदे भारत एक्सप्रेस। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल में दिखाई थी हरी झंडी। मुंबई से गांधीनगर के बीच चलती है वंदे भारत ट्रेन। आपको याद ही होगा, कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी, साथ ही जमकर तारीफ भी की थी। लेकिन आज वही नई पीढ़ी की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन एक हादसे का शिकार हो गई। मुंबई से आते वक्त अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के नजदीक बटुआ और मणिनगर स्टेशन के पास भैंसों के एक झुंड से टकरा गई। ये घटना सुबह 11:18 पर हुई। इसमें वंदे भारत एक्सप्रेस का फ्रंट का एक हिस्सा टूट गया। इसके बाद कुछ देर के लिए ट्रेन वहीं पटरी पर ही खड़ी रही और ट्रेन को बाद में फिर स्टेशन के लिए रवाना कर दिया गया। बता दें कि 30 सितंबर को 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई और गांधीनगर के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। रेलवे के पीआरओ प्रदीप शर्मा ने कहा कि इस घटना से थोड़ा सा नुकसान हुआ है, ट्रेन के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा है, ट्रेन अपने निर्धारित समय से चल रही है। शर्मा ने कहा कि ट्रेन के आगे का हिस्सा जो टूटा है उसे ठीक किया जाएगा, ट्रेन को समय से ही संचालित किया जाएगा। रेल अधिकारियों का कहना है कि गुजरात में गाय भैंस पालने वाले वंदे भारत के टाइम टेबल से वाकिफ नहीं है, यही वजह है कि भैंसों का एक झुंड पटरियों पर आ गया। उन्हें जागरूक करने के लिए अब एक अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि भारत की सबसे आधुनिक और नई खूबियों से लैस इस वंदे भारत ट्रेन को 30 सितंबर को हरी झंडी दिखाई गई थी। इस ट्रेन की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक है, लेकिन इसे अभी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की थी और इसके साथ ही उन्होंने गांधीनगर से लेकर अहमदाबाद तक इसमें यात्रा भी की थी। यह देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन है। यह ट्रेन गुजरात की राजधानी गांधीनगर से अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा होते हुए मुंबई जाती है। वंदे भारत एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, यह अपने पुराने रूप से भी बेहतर है। नई वंदे भारत ट्रेनों में यात्रा को सुरक्षित और अधिक आरामदायक बनाने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। इसमें रिक्लाइनिंग सीट लगाई गई है, इसमें ऑटोमेटिक फायर सेंसर की भी व्यवस्था की गई है, साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसमें वाईफाई सुविधा के साथ ऑन डिमांड कंटेंट की व्यवस्था है। इस अपग्रेडेड ट्रेन में 3 घंटे का बैटरी बैकअप है, पहले यह बैकअप मात्र 1 घंटे का हुआ करता था। यह देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन है। इससे पहले नई दिल्ली से वाराणसी और नई दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा के बीच वंदे भारत ट्रेन चल रही है। गांधीनगर से मुंबई के बीच चलने वाली 20,901 वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन चलती है। यह ट्रेन मुंबई सेंट्रल से सुबह 6:10 पर रवाना होती है और सुबह 8:50 पर सूरत स्टेशन पहुंचती है। सुबह 10:20 पर यह बड़ौदा और 11:35 पर अहमदाबाद पहुंचती है। दिन में 12:40 पर यह ट्रेन फाइनल डेस्टिनेशन मतलब गांधीनगर कैपिटल पहुंचती है। वापसी में यह ट्रेन गांधीनगर से दिन में 2:05 पर रवाना होती है और 2:40 पर अहमदाबाद पहुंचती है। यह शाम को 4 बजे बड़ौदा और 5:40 सूरत और रात के 8:35 मुंबई सेंट्रल पहुंचती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।